और जैसे मैं पारस को बचाने के लिए अंदर घुसी, आस पड़ोस वाले आने लगे तो उन लोगों को भी बोला गया कि कोई भी अंदर नहीं जाना, हम लोग हथियार लेके आए हैं, हथियार लेके आए, जो भी अंदर आएगा उसको मार देंगे, ऐसा बोला आस पड़ोस वालों को। कहाँ चोट कहाँ पे चोट लगी है? पूरे शरीर में लगा मेरा बेटा क्या शरीर लगता है में किसकी, इसमें क्या वजह हो सकती है? चोट एक लड़के का मेरे को लग रहा है इसमें नाम, जिसका नाम था क्या नाम था, डाकू डाकू मिलन मिलन। करके। उसने मुझे धमकी दी थी पहले, 2-3 दिन पहले। वो भी यूट्यूबर है, उसके सब्सक्राइबर 4 से 5 हज़ार हैं। तो हमारी रेस चल रही थी, इंडिया के टॉप में बैठा था ना मैं, तो वो भी खरीद के ऊपर आ गया था मुझे हराने के लिए। तो मैंने उसको बोला, भाई ये गलत तरीके से कर रहा है तू, है ना, सही तरीके से ऊपर आ तो बात भी है। वो बात उसको चिढ़ गई। उसके बाद फिर उसने मुझे फालतू गालियां देने लग गया। तो फिर फालतू गालियां देने लग गया तो मैंने उसे बोला, अगर तू सही है तो तू प्रूफ कर दे, प्रूफ्स अपलोड कर दे सारे, है ना। उसने कोई प्रूफ और अपलोड किया, उसने धमकी दी तुझे घर से उठवा देंगे, मेरा लिंक बहुत आगे वो तक आया है। कहाँ का पता नहीं था? सर कहाँ का है, यही पास का ही होगा, तभी तो वो आया। पता नहीं सर, मैं नहीं जानता उसे। हाँ पुलिस वाले में रिपोर्ट किया आपने? रिपोर्ट जी, में क्या है, क्या उन्होंने कहा तहकीकात करेंगे। एक बार आए वो सीसीटीवी चेक करने, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम करते हैं कुछ करते हैं, बस यही बोल रहे पर्चा हैं। लगा के आए हो? पर्चा लगा दिए, हाँ हमारे सामने नहीं आए थे, हम लोग हॉस्पिटल में थे तो गली वालों ने बोला कि तहकीकात करके गए हैं। जब मैं हॉस्पिटल से आई तो चौकी में गई, जो उनका पर्ची देना था वहाँ सिविल वालों ने दिया था बना के, वो जमा कराना था, जमा कराए। उनसे बोले हम कि भाई, आगे कोई कितनी कार्रवाई मुश्किल है कीजिएगा, बोला कि भाई। मैं करता हूँ।